का सिस्टम है, कबाड़ दे रखा है कंपनी ने। स्वागत है जब से हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सभी अच्छे हो। सुबह सुबह देखो भाई वॉशिंग का काम चल रहा, बाइक वॉश होने लग रही। फिर नंबर अपने सौराज ट्रैक्टर का, क्योंकि देखो इसके नीचे ना थोड़ा ऑयल निकल रहा। कल इसका जो पावर स्टीयरिंग वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, तो रात ना हमने मिस्त्री बुलाया घर पे और दिखाया भाई इसके थोड़े जो क्या बोलते हैं पावर स्टीयरिंग ऑयल है उसमें थोड़ी सी हवा बन रही थी और वो थोड़ा खराब सा भी हो रहा था। तो वो हमने इसका चेंज करा दिया, नया डलवा दिया, और जो नया डलवा था वो भी लीक हो गया यार, नीचे खिंड रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। यो सिस्टम यार जॉन डियर में अच्छा है, लिफ्ट का और गियर बॉक्स का, पावर स्टीयरिंग का, ब्रेक का, सारा सारा ऑयल एक है, कोई अलग अलग नहीं है। इसमें पावर स्टीयरिंग का ऑयल अलग है, तो इसमें अलग तो डिब्बी होगा ट्रैक्टर के इस हिस्से में, तो उसमें तो पता नहीं थोड़ी बहुत कुछ लीकेज रहेगी, तो वहां तक तेल निकल के नीचे इकट्ठा हो रहा है। मैं आपसे भी दिखाता हूँ, यो देखो भाई बिल्कुल नया तेल था पावर स्टीयरिंग का, यो ऑटोमेटिक नीचे चला गया। और किस पाइप की वजह से नीचे गया वो भी मैं आपसे भी दिखा देता हूँ। ये वाला क्लिप ढीला रह गया था, इसकी वजह से नीचे चला गया। अभी तक ट्रैक्टर की ट्राई नहीं लेके देखी, चलाकर देखा, अब ट्रैक्टर में बाहर लेके जाने लग रहे। इस ट्रैक्टर में लेके जाऊंगे और एक ट्रैक्टर और चाहूंगा, क्यों रीजन मैं आपसे भी तो बताता हूँ। कल रात ना एक भाई ने ट्राली फंसा दी, बहुत ही तगड़ी जगह ट्राली फंसा दी उसने, और फिर पता ही है फंसाने के बाद तो फिर भाई बड़ा ट्रैक्टर चाहिए होगा। वो मार दो फोन आया उस भाई का, भाई ट्रैक्टर लेके आ जाओ और ट्राली फंस रही। तो कल तो रात हो गई थी, अब जाना है पहले ट्रैक्टर धो ले, फिर जाऊंगा बड़ा, फिर देखेंगे। मेरे ख्याल तो कड़ी फंसा रखी ट्राली, आज पूरा जोर लगा ट्रैक्टर का भी और मारा भी। तो देखो रे जूते पैर का मोटरसाइकिल धोई जा रही है। जो हमारा भाई पुराना स्टेयरिंग था ना, उसके जो नट है ना एलके वाले, वो खुल गए थे, और ये मजबूत हैंडल थोड़ा कंपनी का है ना, इसका ये वाला हिस्सा भाई लगाना रह रहा, वो हिस्सा तो मिल गया, इसके नट नहीं मिल रहे, इसने बाद में लगा लेंगे। फिलहाल बिना किसी देर के ट्रैक्टर स्टार्ट कर ले। ट्रैक्टर भाई टेम्परेरी वॉश करेंगे, प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं करते, क्योंकि अभी भी खेत में जा रहे वहां पे, फिर दोबारा तो धसेगा, अब ज्यादा मिट्टी जम रही इसकी शो के ऊपर। सबसे मेन जो बात है वो यहाँ पर ऑयल ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, और ये मिस्त्री की दुकान पर लेके जाना होना, पहला ट्राली निकाल लेंगे फिर मिस्त्री की दुकान पर लेके जाऊंगे ट्रैक्टर ने, इसलिए वॉश कर ले ताकि हमें पता चल जाए भाई कहाँ कहाँ तक लीकेज है। जहां जहां तक नया तेल निकल का होगा ना वहीं तक ट्रैक्टर लीक है। बहुत दिनों के बाद आज यूज हो रहा है भाई इसका पावर वाली मोटर का, वॉशिंग वाली मोटर का है, क्या है पता है, मैंने कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं भाई यो प्रेशर इसने जो ऑयल जम रहे इसने उतार पाओगे या नहीं, बाकी जम बहुत ज्यादा रहा, उतार तो रहा है भाई, हाँ उतार दिया। जब तक ट्रैक्टर पर सर्फ का कपड़ा लगने लग रहा है ना, तब तक मैं एक बार टोचन उठा लिया, क्योंकि वहां पर टोचन की जरूरत पड़ेगी, और टोचन जा रहा सुखचैन के घर, तो बाइक लेकर फटाफट है टोचन लेके आते हैं एक बार। पापा वाली बाइक पे जाऊंगे भाई, चल भाई लड़के पहुंच गए भाई सुखचैन के घर, टोचन लेने जा रहा लड़का अंदर। ये बाबे आ गया टोचन, भेजा पाएंगे अब ट्राली के साथ। लो भाई पहुंच गए टोचन लेकर पे, देखा सर्फ सुर्फ लग गया ट्रैक्टर के ऊपर, फिर पानी मार कर लेके चला फटाफट, हो गया भाई सर्फ का काम कंप्लीट, बस मार का पानी चलते हैं मेरे के नगर। जो अपने मार लगा इन्हें पता ना कहाँ कहाँ सर्फ मारा, फिर अपने मार लगा पानी भी। सुबह सुबह भाई मैंने दोरे फोन कर दिया, फिर ये कहा भाई जब ट्राली निकाला हमने बुला कर, चीता कहाँ पे है, घर पे है, चल भाई आए हाय। अब तो जोर लगने लग गया भाई सौराज के ऊपर चढ़ते टाइम भी, 52 भी स्टार्ट कर दिया लड़के ने। ओए क्या कर रहा है ये, हे प्रभु क्या हुआ, और चलो में कुछ नहीं होता है यार, यो क्या कर दिया बस। क्या हो रहा है, पानी मार दिया तेने इसके ऊपर, इसके ऊपर हाँ रुक जा। इसका ना जो एयर क्लीनर वाला पाइप है यार, उसमें पानी मार दिया इन्होंने,
तभी तो लोग वो लगा है प्लास्टिक वाला कवर। भाई पहले तो मेरी सोच थी टोचन किंग लेके जाने की, लेकिन एक जोन ऑलरेडी है 52-10, तो इन लेके जा रहे फिलहाल, और इन्वर्टर लेने निकली, फिर ट्रैक्टर लेके जाऊंगे। इसके स्टीयरिंग की प्रॉब्लम भाई ठीक नहीं हुई, देखियो ये टायर अपने आप ही लगा इसके। यो देखो भाई रोड पे सिर्फ अपना ट्रैक्टर खड़े हो रहा, और यहाँ तो बस ये लगा लो बाइक निकलने का भी रास्ता नहीं है। ये मोगो ने भी ट्रैक्टर बंद कर दिया। आज तेरे ट्रैक्टर की टेस्टिंग होगी भाई। टायर तो है ना, कार टेस्टिंग होगी। हम टोचन मारूंगा मैं तो इसके साथ। ना 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 बच्चा अभी ये। अच्छा बच्चा है अभी, इसको टायर आने दो बड़े बड़े जब जब है पक्की बात सौराज के साथ। ठीक है चलो, जो बड़े बड़े टायर आ जाएंगे जो सौराज के साथ टोचन करेंगे इसका। अरे तेल कहाँ से टपक रहा है, तेल पानी तेल सा लग गया यार, पानी है। एक ट्राली तो यहाँ, एक वो ट्राली पा है। तीन नकल देख ली पहला, कौन सा पोजीशन है यार। तीन ट्रैक्टर के साथ देखी थी, दो के साथ। अरे या इसका क्या मैटर है, पहला फिर इसने निकाल दे। ठीक है, या तो ट्राली यार कुछ खास मैंने फसी लगी नहीं। एक यार पिछले साल भी यहाँ ट्राली निकाल ली थी ना, यहाँ की जमीन यार पता नहीं कैसी है। टोचन किंग भी यार लोग तीसरे गियर में मतलब थोड़ा थोड़ा आरपीएम ड्रॉप कर रहा था, पता नहीं क्या सिस्टम है यार यहाँ की जमीन का। यहाँ तो जमुना नजदीक है, थोड़ी रेतली सी धरती है यार, दिखने में वैसे लग रही थोड़ी स्लिप निकलेगी ना ट्रैक्टर गेला नीचे तो रेत निकल आओगा। यहाँ ट्रैक्टर दबा है, मतलब यहाँ पे ट्रैक्टर का थोड़ा जोर ज्यादा लगा, कुछ मिट्टी भी गिल्ली है भाई यार देखो। पूरी रिकावट है इसके ऊपर भी, और टायर भी काफी बैठ रहा, वो भी काफी बैठ रहा दूसरा वो वाला, इसका कोई मैटर नहीं है, उसका भी थोड़ा थोड़ा सा है, ज्यादा तो उसका है और इस टायर का है, बाकी चलो देखते हैं कोशिश करके। एक क्या घुमाने भी तो पड़ेगी ना, घुमाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है यार, ट्रैक्टर घूम नहीं पाता। जिस ट्रैक्टर में टर्बो ना वो तो आसानी से ट्राली घुमा दे, जिस ट्रैक्टर में टर्बो ना ना वो नहीं घुमा पाता क्योंकि आरपीएम ड्रॉप कर जाए, इस वजह से। मैं तो कर रहा भाई पहला यार ट्राली निकाल ला, लेकिन ये कह रहे पहला वो निकाल लेंगे, या निकाल ला पहला आंसू या निकाल रहे यहाँ पे लेगा, इस ट्राली में लेगा इसने आने दे। अरे लो में लग गया, चलो भाई ये इतने दोरी दोरी टायर ट्राली निकालने के हैं और करने के क्या है ये, इसका थोड़ी नीचे लगाना पड़ा, नहीं तोड़ फोड़ कर देगा भाई सारे सिस्टम की। आप शुरू लगा दे, लगा दे हाँ, ताकि ट्रैक्टर ज्यादा आगे तक ना उठाए, और ट्रैक्टर आगे तक उठने के कारण कोई हादसा हो सकता है, इसीलिए हुक हमने थोड़ा सा नीचे लगा दिया। भाई निकाल तो मैंने दिया, तेने तो बस चलानी चलानी है, चलेगी ना भाई, ऊपर ही तो खड़ी है यार, निकाल तो मैंने दिया यार, लिफ्ट कैपेसिटी तो है, बम्पर तो है, अगले टायर मॉडिफाई तो है भाई, टायर होगा तो फर्क है, और तो सारा सिस्टम सेम है यार। तेरे ट्रैक्टर में टर्बो भी है, मेरे में टर्बो भी नहीं, कौन से गियर में ले होगा, गियर बी के पहले में। ठीक है आ चल पड़ा, रोक दे, खुश हो गया, मजे आ गए। आने दे भाई,
पीछे ब्रेक मार। एक ट्राली तो भाई हमने निकाल दी, ये बारी है इस ट्राली की, या थोड़ी फंस रही है यार इन इस ट्राली पर ना, इन्होंने दो ट्रैक्टर लगा के पहले ही देख लिया ऑलरेडी, तो पहले मैं स्वराज पर निकाल लूंगा, थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे इस ट्राली ने, पहला बैक मारेंगे, अगर ट्रैक्टर ने बैक खींच दी ना फिर तो स्वराज इकला निकाल लगा, तो फिलहाल ट्रैक्टर ने ज्वाइंट करते हैं और बैक मारता हूँ एक बार इसमें। ये बुलडोजर आता हुआ मार्केट में, थोड़ा यार मैंने यही चीज भी मुश्किल लग रही भाई, ट्रैक्टर ने बैक नहीं मार पाता क्योंकि पहला यहाँ पे पक्की मिट्टी है, खड्डा हो रहा है ना इस वजह से, बाकी चलो ट्राई करके देखते हैं। रुक जा, चल चल जा, भाई कौन चल रहा है इतने खड्डे हो रहे, देख ले ऊपर चल चल बड़ी बता रहा, ये देख क्यों रहा, आ देख ये देख पैड जा भाई रहा, इस ट्रैक्टर ने पीछे लगा ला जो खड्डा में आ गया, जो यहाँ पावर कम लगाओगा एक बार ट्राली ने पीछे खींचे, और पीछे चली गई ना फिर तो ट्रैक्टर खींच लगा खड्डा में फंस रही भाई, ट्रैक्टर ने तो बहुत जोर लगाया लेकिन क्या करा भाई निकली नहीं। पूरा आ जाएगा ना मधुयू, आदमी सो सका इस खड्डे में, एक बुग्गी का बाहर काट दी उसकी मना ले, ट्राली समेत खाच रख गया।
लीडर उठा क्या रिस्पॉन्स है? बढ़िया एकदम सही। अदबार भाई बम भर कर 100 सारा पेंट पैट दिए ना कर लगा टाई आन दे ट्रैक्टर मारा के निकल गया एक बार इन ट्रॉली ज्वाइंट करा दे। चल भाई करा दे ज्वाइंट। और कोई सेवा बता भाई ना। बस धन्यवाद प्रधान तेरा। धन्यवाद तेरा तेरा क्या है? ट्रॉली रह रही बस ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਮੈਂ ਮਹਲਾ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਟੋਕਨ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਟੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੀਲ ਬੰਦਾ ਮੀਲ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ 70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਜਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲੋ ਘਰ ਪੇ ਚਲੋ ਟੋਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ एक टोचन हो जाए। टोचन टायर बड़े करने दे। जब अपने काम में करेंगे टोचन स्वराज साथ ना किंग के साथ करेंगे टायर बड़े आते हैं। पक्की बात दोनों ट्रैक्टर तुम्हारे हैं कोई आरजी मो का दिक्कत है ना। सही है। क्यों सर जी एक खुशखबरी दूं तेरे टायर आ गए पिछले भी। हाँ सही बताओ को नहीं आए ले ले ना घटती है गे रुआंगे उधर क्यों रहा है ज्यादा तो बहुत ज्यादा जोर नहीं सही है रोक ले। कौन से गियर में हजर यू बंद होया लोग इतनी सिरे में हैं बंद हो गया यू के सिस्टम है कबाड़ दे रखा है कंपनी ने परी ट्रैक्टर इंजन तो इसका 4 सिलेंडर है पावर में भी सेट में पावर 60 हॉर्स का यू। अरे यू कितने हॉर्स का है? 58 में स्वराज है। मैंने लोग इस लोग का तीसरा गियर मेरा तोड़दा नहीं इतने बड़े बड़े टाइटल ने ये तो टूटी मिले हम जी बिटूप तोड़ दी कंपनी ने फोन उठाना बंद कर दिया फिर फ्रेम चेंज हुई ना फ्रेम चेंज नहीं हुई पीछे लग गए क्या रुपए कहा था यू 580 का ठीक। तेरा कितने कहा था भाई 680 को कितने कहा था 780 फालतू का होगा 880 का होगा 880 को देखना पड़ेगा जानना रेट का ही नहीं पता अपने ट्रैक्टर के। हाँ ये टूट गई थी यहाँ चढ़ में तो टूट गई थी। वहाँ तक